और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, पेट्रोल डीजल में टैक्स कटौती पर सीएम बघेल का बयान। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, एक उपचुनाव हारने में अकल ठिकाने आ गई। जनता ने बीजेपी को सबक सिखाया, जनता सर्वोपरि है, पेट्रोल 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए कम करके वाहवाही लूट रही है। यूपीए सरकार में जो टैक्स है वो 9 रुपये के आसपास था, आज जो टैक्स है वो 27 रुपये और 32 रुपये तक के बढ़ गया है। तो पहले तो उस स्तर में ले आए हमने, तो यदि रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी कहे तो जितना वो वेट उन्होंने तय किया था उससे 1 पैसा हम लोगों ने वृद्धि नहीं की 3 सालों में, वही के वही है। तो एनडीए गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि जो यूपीए सरकार में जितना टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी जिसमें लगती थी, उसी स्तर पे ले आए, पेट्रोल आपके 50 और 60 रुपए में मिलेंगे। और आशीष तिवारी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, अब पेट्रोल डीजल के दाम कम करने को लेकर भी राजनीति हो रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि 30 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए कम करके वाहवाही लूटी जा रही है। देखिए बिल्कुल, केंद्र सरकार ने जब एक्साइज ड्यूटी घटाई तब डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है, और केंद्र सरकार के इस निर्णय के बाद जिस तरीके से ये रिपोर्ट्स आई कि बीजेपी शासित ज़्यादातर राज्यों ने भी अपने राज्यों में वैट कटौती की है, तो सवाल राज्य के भीतर भी उठने लगा कि यहाँ की कांग्रेस की सरकार आखिर ऐसा क्यों नहीं कर रही। इसके दो जवाब भूपेश बघेल देते हैं। एक ये कि रमन सरकार के वक्त जो वैट निर्धारित था वही वैट कांग्रेस सरकार लेकर चल रही है, न 1 रुपये घटाया गया न 1 रुपये बढ़ाया गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात भूपेश बघेल कह रहे हैं कि यूपीए की सरकार जब थी तब एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 27 पैसे थी, जो एनडीए की सरकार में यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में ये 32 रुपये के आसपास चली गई है। 32 रुपये बढ़ाकर एक हाथ से दूसरे हाथ से 5 रुपये कम कर देना ये कोई न्याय संगत नहीं है, ये भूपेश बघेल कहते नजर आ रहे हैं। और भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि यदि सरकार को जनता को वाकई रिलैक्सेशन देना है तो यूपीए के वक्त जो एक्साइज ड्यूटी 9 रुपये 27 पैसे थी तो वो कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर केंद्र और बीजेपी शासित कुछ चुनिंदा राज्यों के वैट कटौती के बाद अब जिस तरीके से दबाव राज्य के भीतर बढ़ता नजर आ रहा है उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बड़ा पॉलिटिकल काउंटर रिएक्शन यहाँ पर देते नजर आ रहे हैं। इसको उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है और साफ तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एक उपचुनाव हारने में अकल ठिकाने आ गई। देखिए निश्चित तौर पर यही बड़ा पॉलिटिकल कटाक्ष है, राजनीतिक कटाक्ष भूपेश बघेल कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों पर जहां पर उपचुनाव हुए, बीजेपी की वहां पर सरकार है, रूलिंग पार्टी बीजेपी है, और उन राज्यों में 4 सीटें यदि बीजेपी हार रही है तो एक सीधा कारण यही संदेश जाता है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों की वजह से जनता परेशान है और जनता ने सबक सिखा दिया। शायद यही वजह है कि भूपेश बघेल ने अपने बयान में यह भी कहा कि जनता किसी को चाहे तो किसी राजनीतिक दलों को फर्श पर ला सकती है और फर्श से अर्श पर बिठा सकती है, और यदि इसे संकेत के तौर पर केंद्र सरकार या बीजेपी नहीं लेती है तो ज्यादातर राज्यों में भी यह स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि मसला घुमा फिरा कर ही आता है। आज ही डॉक्टर रमन सिंह जी बने रहे हमारे साथ, बृजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री जुड़ चुके हैं, जरा उनसे भी जानते हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। बृजमोहन जी, दाम कम किए सरकार ने, दिवाली पर तोहफा दिया, लेकिन ये तोहफा जो दिया है अब इस पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। खासतौर पर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उपचुनाव हारने में ही अकल ठिकाने आ गई और इतने रुपए बढ़ा दिए, 30-32 रुपए बढ़ाकर 5 रुपए कम किया। देखिए, जो राज्य सरकारें हैं उनका जो टैक्स है वो वेरिएबल टैक्स है। वो टैक्स जो है कीमत के साथ साथ में बढ़ जाता है। केंद्र सरकार का जो टैक्स है वो फिक्स है। पर लीटर जब 50 रुपए था तब भी फिक्स था, आज 100 रुपए है तो भी फिक्स है। परंतु राज्य सरकारें, छत्तीसगढ़ की सरकार को जब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी तब 1800 करोड़ रुपए वेट टैक्स के रूप में डीजल पेट्रोल से मिलता था, या 4800 करोड़ रुपए मिल रहा है। तो जब केंद्र की सरकार ने 5 रुपए और 10 रुपए कम किया है तो राज्य की सरकार कम क्यों नहीं कर सकती? राज्य की सरकार को जनता ने चुना है तो राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने टैक्स को कम करे। केंद्र का तो फिक्स है, राज्य का तो लगातार डीजल पेट्रोल के रेट में वृद्धि होने से उनके टैक्स में वृद्धि हो रही है, वो कम क्यों नहीं करते?
और मुख्यमंत्री का ये तंज कि उपचुनाव, हिमाचल उपचुनाव हारने के बाद अब अकल ठिकाने आ गई है, यानी कि समझ में आ गया है कि जनता महंगाई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री जी की अकल ठिकाने आनी चाहिए कि मुख्यमंत्री जी जो है वो अपने राज्य में टैक्स कम क्यों नहीं कर रहे। उनका टैक्स 1800 करोड़ से 4800 करोड़ बढ़ गया, तो प्रदेश की जनता ने उनको वोट दिया है, वो टैक्स कम क्यों नहीं कर रहे। केंद्र की सरकार तो टैक्स बढ़ाती नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट के बेस पर रेट बढ़ता है, परंतु जो राज्य की सरकारें हैं वो खाली पैसा कमाने में लगी हुई है, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। जी जी, शुक्रिया आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए ब्रिजमोहन जी। आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।